और धूलिया की सरजमीन से तशरीफ लाने वाले शायर जनाब निहाल अख्तर साहब को आप निहाल अख्तर साहब की आपसे मुलाकात करवाता हूँ कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करें जनाब निहाल अख्तर धूलिया की सरजमीन से आपकी अदालत। यहाँ जो लोग खड़े हैं अगर बैठ जाए तो आवाज पीछे तक जाएगी, बराए मेहरबानी। प्रोग्राम सजाने में भाई मैं हर मरतबा कहता हूँ प्रोग्राम सजाने में बड़ी मेहनत लगती है हम लोगों को, अगर आप लोगों का साथ मिल गया जो आप लोग इधर खड़े हैं माइक के स्पीकर के आगे, अगर आप लोग थोड़ा सा बैठ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी और प्रोग्राम अपने आखिरी पायदान तक जाएगा। निहाल अख्तर का तालियों से जोरदार इस्तकबाल कर दें। अस्सलामु अलैकुम। ये मालेगांव की सरजमीन है मैं जानता हूं, यहां तमहीद की कोई जरूरत नहीं है, जहां से मैं शेर पढ़ूंगा वहां तक आप जरूर पहुंचेंगे और मेरा चौथा मिसरा आपको अगर सुनकर बता देंगे तो मैं समझूंगा कि मैं बहुत कामयाब हो गया। यहीं अब्दुल जब्बार आप भी बगौर समाप्त करें कि वो जो चाय बेचता था हाय हाय वो इंसान देखिए, जो चाय बैठा है बन के देश का प्रधान देखिए, हाय हाय जो चाय बेचता था वो इंसान देखिए, बैठा है बन के देश का प्रधान देखिए और दुनिया को दे रहा है वो पैगाम अमन का, गुजरात जो जलाया था शैतान देखिए, हाय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा तो मुशायरा कमेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। जिंदाबाद। के झूठी अना में अब मैं यहां से शेर पढ़ रहा हूं, वो शेर दोबारा नहीं पढ़ूंगा मेरे भाई, अगर बीजेपी वाले यहां कोई लीडरान होंगे, ये मुशायरा वक्त मीडिया मुझे कॉपरेट कर रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे शूट कर रहा है, अगर ये मैसेज वहाँ तक पहुँचेगा तो ये मेरे लिए ख़तरा साबित हो सकता है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सफ़र करता हूँ। अच्छा अगर आपने हौसला दिया है, आपने हौसला दिया है तो मैं पढ़ता हूँ। जो अब दूसरी मरतबा ताली इससे ज़्यादा आनी चाहिए कि जो चाय बेचता था वो इंसान देखिए, बैठा है बन के देश का प्रधान देखिए, जो चाय बेचता था वो इंसान देखिए, बैठा है बन के देश का प्रधान देखिए और दुनिया को दे रहा है वो पैगाम अमन का, गुजरात जो जलाया था शैतान देखिए, जिंदाबाद। और यहीं से चार मिसरे और हाजिर करता हूं कि धूलिया शहर में हमारे खबरियों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, यहाँ है कि नहीं ये मैं नहीं जानता। झूठी अना में अजमत इंसान बेच दिया, जर की हवस में कौम को नादा बेच दिया, झूठी अना में अजमत इंसान बेच दिया, जर की हवस में कौम को नादा बेच दिया और जिंदगी उसकी कुत्ते से भी बदतर है, खबरी बनकर जिसने इमा बेच दिया, हाय हाय हाय। झूठी अना में जर की हवस में कौम को नादा बेच दिया, जिंदगी उसकी कुत्ते से भी बदतर है, खबरी बनकर जिसने इमा बेच दिया। यहीं से चार मिसरे और हाजिर करता हूँ धूलिया का फसाद और पूरे हिंदुस्तान के फसादात को मद्दे जहन रखते हुए ये चार मिसरे मेरे मुलाजा करें कि अमन और प्यार की दीवार गिराया ना करो, तुम पड़ोसी हो पड़ोसी से यूं उलझा ना करो, कारपोरेटर आमीन भाई, कि अमन और प्यार की दीवार गिराया ना करो, तुम पड़ोसी हो पड़ोसी से यूं उलझा ना करो, और नाज है तुमको अगर अपनी जवां मर्दी पर हिजड़ों की तरह छुप छुप के यूं हमला ना करो, हाय हाय हाय।